गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो डेली वोकैबुलरी का है, आज वो पार्ट 9 है और इसके अंदर आपको सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स भी दिए गए हैं। तो ये कुछ नया चीज़ हमने इसके अंदर चेंज किया है और साथ में कुछ इसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला वर्ड है वो है सीयर। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है सीयर, ठीक है ना। सीयर जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है ना। इंग्लिश में मीनिंग क्या दे रखा है, कंप्लीट एंड नॉट मिक्स विद एनीथिंग एल्स, यानी कि वो पूरी पूरी तरह से यानी कि कम्प्लीट हो, यानी कि उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं हो, मिलावट ना हो, ठीक है ना। यदि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू याद करना चाहें सीयर को, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि हमने बात करी सीयर, ठीक है ना। तो सीयर एक एडजेक्टिव है जैसे कि आप सभी को पता है, और सीयर का प्रोनाउंसिएशन क्या होएगा, सीयर होएगा। और यदि हम बात करें इसका हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग होती है पूर्णतया, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट हो, उसमें कुछ भी मिलावट ना हो, मिक्स्ड कुछ भी ना हो, ठीक है ना, मिक्स्ड कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ये सीयर का मतलब जान लिया। अब इसको हम कैसे याद करें, यानी कि एक शेर था, उसने आक्रमण किया, किसके ऊपर आक्रमण किया, कोई भी लिविंग होस्ट पे आक्रमण किया, ठीक है, जो उसका भोजन था उसके ऊपर आक्रमण किया। तो वो पूरी तरह से अपनी कोशिश करेगा, पूरी तरह से करेगा, यानी कि शेर सीयर सीयरिंग से, शेर सीयरिंग से अपना भोजन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सी बात है, शेर क्या करेगा, सीयर करेगा, ठीक है ना। शेर क्या करेगा, सीयर करेगा, यानी कि पूरी तरह से वर्क करेगा, मेहनत करेगा, ठीक है ना। तो शेर पूरी तरह से मेहनत करेगा, ओके। तो पूरी तरह से का मतलब क्या हुआ वहाँ पे, सीयर, ओके। तो शेर सीयर से हार्ड वर्क करेगा, ओके। अब यदि हम बात करें इसके कुछ सिनोनिम्स को लेकर, तो सिनोनिम्स आ जाते हैं अटर, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, टोटल, डाउन राइट एंड थोरो, ठीक है ना। हमने बात करी अटर, डाउन राइट, थोरो, एंड यदि हम इसके बाद बात करें तो एब्सोल्यूट, कंप्लीट, ये हमारे कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब यदि इसके कुछ एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स आ जाते हैं हमारे इनकम्प्लीट, विलोम शब्द हो जाते हैं हमारे इनकम्प्लीट, लिमिटेशन, लिमिटेड कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। और हमारा आ जाता है पार्शियल। तो ये इसके कुछ हमारे एंटोनिम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी सिनोनिम्स को लेकर, तो सिनोनिम्स आ जाते हैं अटर, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, टोटल, डाउन राइट एंड थोरो, ठीक है ना। यदि हम बात करें एंटोनिम्स की, तो इनकम्प्लीट, पार्शियल, लिमिटेड एंड फ्रैक्शनल, ओके। यानी कुछ भी पूरा ना हो, वो हमारा विलोम शब्द बन जाएगा। पूर्णतया का क्या होगा, पूर्णतया का क्या हो सकता है, विलोम शब्द हिंदी में होता है अपूर्ण, ठीक है ना। यानी कि वो पूरी तरह से ना हो, सिंपल सी बात है, इनकम्प्लीट हो, पार्शियल हो, यानी कि पार्शियल यानी कि आधा, ठीक है ना, लिमिटेड हो, या फिर फ्रैक्शनल हो। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट इज डिफरेंट टू कन्वेट द सीयर कॉम्प्लेक्सिविटी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है ना। सिचुएशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको पूरी तरह से कन्वे नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, और हमने इसका याद करने का तरीका क्या बताया कि शेर हार्डवर्क करता है सीयर के लिए, ठीक है ना, मतलब सीयर से करता है, सिंपल सी बात है। शेर हार्डवर्क कैसे करेगा, सीयर से करेगा, पूरी तरह से करेगा, ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ड की, तो सेकेंड वर्ड है मिनिस्कल, ठीक है ना, मिनिस्कल हो जाएगा हमारा सेकेंड वर्ड, ओके। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है हमारी, इस स्पेलिंग को आप सही कर लीजिएगा। हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो है मिनिस्कल, ओके। इस प्रकार है हमारा सेकेंड वर्ड, MINISCULE, ओके। ये हमारा मिनिस्कल हो गया, इसका उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मिनिस्कल, ओके। और यदि हम बात करें मिनिस्कल के आगे कि ये कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में पाया
जाता है, ठीक है ना, विशेषण के रूप में पाया जाता है और इसका विशेषण के रूप में ही उपयोग किया जाता है। किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यदि इसका हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग होता है छोटा, यानी कि बहुत ही छोटा होना, ठीक है ना, स्मॉल होना। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है सो स्मॉल एज टू बी इनसिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ही छोटा जो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको सिग्निफिकेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा बिल्कुल मतलब मिनिस्कल का हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो मिनिस्कल हमने देखा यहाँ पे, जो कि एक एडजेक्टिव है और मीनिंग है बहुत छोटा या फिर सो स्मॉल एज टू बी इनसिग्निफिकेंट। ओके, अब इसके कुछ सिनोनिम्स देख सकते हैं आप। सिनोनिम से बताया गया माइनर, अनइम्पोर्टेंट, ट्रीवियल, नेगेट्री, पॉल्ट्री। ओके, माइनर, अनइम्पोर्टेंट, पॉल्ट्री, नेगेट्री एंड ट्रीवियल। ओके, जैसे कि हमने बात करी माइनर, माइनर का मतलब बहुत छोटा, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है ना, क्या बात करी, अनइम्पोर्टेंट यानी कि कोई काम का ना हो। ओके, अनइम्पोर्टेंट, ट्रीवियल। और यदि और बात करें इसके बारे में तो और आ जाता है हमारे सिनोनिम्स में, फॉर्टुनेट, पोल्ट्री, ठीक है ना, पोल्ट्री, नेगेट्री। ओके, पोल्ट्री एंड नेगेट्री। ओके, ये हमारे कुछ सिनोनिम्स हो जाते हैं, नेगेट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, माइनर हो गया, अनइम्पोर्टेंट हो गया एंड ट्रीवियल हो गया। ये हमारे कुछ सिनोनिम्स हो जाते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं। अब इसके एंटोनिम्स भी आप देख सकते हैं, मैजिस्कल, मेजर, माइनर का क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है, सीरियस यानी कि सीरियस वे पे काम करे वो एसेंशियल, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, तो अनइम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं। और यदि इसका एग्जाम्पल भी आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ही बिलीव्ड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वॉज मिनिस्कल, जो उसका इन्फेक्शन था बहुत छोटा इन्फेक्शन था, वो उसका जो रिस्क था उसके ऊपर वो भरोसा करता था, ठीक है ना। ही बिलीव्ड, वह भरोसा करता है उस रिस्क पर, कौन से रिस्क पर, इन्फेक्शन वॉज मिनिस्कल, मिनिस्कल यानी कि बहुत छोटा जो इन्फेक्शन होएगा उसके ऊपर जो रिस्क होने वाला है उसके ऊपर वो भरोसा करता है, बिलीव है उसको, ठीक है ना, कि उससे रिस्क हो सकता है तो उसको बिलीव है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे मिनिस्कल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं थर्ड वर्ड पे, जो कि है आप देख सकते हैं निगडलीनेस। ओके, अभी निगडलीनेस क्या होता है, निगडलीनेस एक नाउन होता है, ठीक है ना, निगडलीनेस, इसका यदि हम उच्चारण करें, प्रोनाउंस करें तो निगडलीनेस, निगडलीनेस, ओके। यदि इसका हिंदी मीनिंग देखना चाहें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कृपणता। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसका एक और मतलब निकाल सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग में कंजूस, ठीक है ना, इसका एक और हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं कंजूस। ओके, कंजूस होना। ओके, तो कंजूस निकाल सकते हैं। और ये इसका फॉर्म देखे तो इसका फॉर्म होता है नाउन यानी कि संज्ञा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि रिलक्टेंट टू गिव और स्पेंड, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही रिलक्टेंट होना, मतलब खर्च करने को या फिर देने को लेकर बहुत ही रिलक्टेंट होना, ठीक है ना, कंजूस होना। ओके, तो ये कृपणता या फिर कंजूस भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे निगडलीनेस हो गया, और इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पार्सिमोनी, मीननेस, स्टिंगनेस एंड टाइटनेस, मिजल्डीनेस। ओके, एंटोनिम्स जेनेरसिटी, लेविसनेस, लाइबरलिटी, मैगनिमिटी। ओके, ये हमारे कुछ सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी हमने देख लिए, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें एग्जाम्पल को लेकर तो एग्जाम्पल है स्टॉप शोइंग निगडलीनेस एंड एटलीस्ट गिव ए डॉलर टू चैरिटी। सिंपल सी बात है, जो तुम अपनी निगडलीनेस है उसको तो शो करना बंद करो, उसको दिखाना बंद करो, यानी कि कंजूसीपना जो होता है उसको दिखाना बंद करो, कृपणता जो होता है उसको दिखाना बंद करो, और कम से कम $1 तो जो चैरिटी के अंदर $1 तो दीजिए, ठीक है ना, और अपनी जो निगडलीनेस है उसको दिखाना बंद करो, ठीक है ना, जो कंजूसीपना है उसको दिखाना बंद करो। ओके, तो ये हमारा निगडलीनेस हो गया।
अब यदि हम बात करें फोर्थ वर्ड की, तो अब फोर्थ वर्ड है अनवारंटेड। अनवारंटेड जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट रीजनेबल और नेसेसरी। तो यानी कि कोई भी नेसेसरी या फिर रीजनेबल ना हो, ठीक है ना। हमने बात करी अनवारंटेड की। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अनवारंटेड। ओके, अनवारंटेड। और यदि हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो अनुचित। ओके, अनुचित। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा अनवारंटेड एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है नॉट रीजनेबल और नेसेसरी, जिसका मतलब होता है अनुचित, ठीक है ना, हिंदी मीनिंग में। और यदि इसके सिनोनिम्स आप देखना चाहें तो सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कि अनजस्टिफाइड, इनएप्रोप्रिएट, अनरीजनेबल, बेसलेस, इम्प्रॉपर। ओके, यानी कोई भी तरीका, कोई भी जो हो रहा हो वो इम्प्रॉपर हो रहा हो, अनजस्टिफाइड हो रहा है, इनएप्रोप्रिएट हो रहा हो, अनरीजनेबल हो रहा हो, बेसलेस हो रहा हो, यानी कि अनुचित हो रहा हो, ठीक है ना। सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अनुचित हो रहा हो, उसके साथ कुछ उचित ना हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनवारंटेड। ओके, अब इसका यदि एंटोनिम्स विलोम शब्द देखना चाहेंगे तो विलोम शब्द अनजस्टिफाइड का जस्टिफाइड, अनरीजनेबल का रीजनेबल, अनवारंटेड का वारंटेड और सेंसिबल। ओके, तो ये हमारे कुछ एंटोनिम्स भी हो जाते हैं, विलोम शब्द भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दे कंडेम्ड द न्यू लॉ एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू पीपल्स प्राइवेट लाइफ, यानी कि जो हमारे पास लोग की जो प्राइवेट लाइफ होती है, यानी कि जो जगह पर वो रहते हैं, जो लोग होते हैं वो अपने जो प्राइवेसी जगह पर रहते हैं, उसके लिए ये अनुचित हो सकता है। जो हमारा नया नियम जो लेकर आए हैं वो अनुचित हो सकता है, अनवारंटेड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा। अभी यदि अनवारंटेड को याद करना है तो जैसे कि आप लर्न भी कर सकते हैं अनवारंटेड को, तो अनवारंटेड को लर्न करने के लिए आप जैसे कि आजकल फैन का भी ले सकते हैं, फ्रिज का भी ले सकते हैं, तो उसमें क्या ले सकते हैं आप कि इनकी वारंटी नहीं मिलना एक अनवारंटेड है, इनकी वारंटी नहीं मिलना एक अनवारंटेड है। जब आपको वारंटी ही नहीं मिलेगी तो सिंपल सी बात है वो अनवारंटेड होगा, अनुचित होगा। तो फैन या फिर फ्रिज की वारंटी ना मिलना अनवारंटेड है, अनुचित है, ठीक है ना। ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आप इनको, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर, ठीक है ना। हमने अनवारंटेड देखा, निगडलीनेस देख लिया, मिनिस्कल देख लिया, सियर देख लिया, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 वर्ड्स हो गए। शायद हमारा एक वर्ड छूट गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैकोनियन, ठीक है ना, ड्रैकोनियन। ओके, ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही गुस्से में होना, ठीक है ना, बहुत ही गुस्से में होना। ओके, गुस्से में होना। ओके, अब यदि हम ड्रैकोनियन के बारे में जाने तो ड्रैकोनियन का क्रोध होना, जैसे कि हमने जान भी लिया है, तो हिंदी मीनिंग तो हो ही गया। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन। हालांकि ये छूट गया है हमारा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत बताएंगे आपको इसके बारे में, और अगले जो हमारा पार्ट 10 आएगा उसके अंदर हम ड्रैकोनियन के बारे में और भी अच्छी तरह आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सियर भी देख लिया, मिनिस्कल देखने, मिनिस्कल यानी कि बहुत छोटा, यानी कोई भी चीज़ मिनी हो वो मिनिस्कल होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मिनी हो, माइनॉरिटी हो, तो उसको मिनिस्कल कहेंगे, ठीक है ना। ड्रैकोनियन यानी कि बहुत ही गुस्से में होना, निगडलीनेस, निगडलीनेस यानी कि बहुत ही, मतलब जैसे कि हमने जाना निगडलीनेस का मतलब, ओके, अनजस्टिफाइड, अनुचित, ओके, अनवारंटेड यानी कि अनुचित। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सियर, मिनिस्कल, ड्रैकोनियन, निगडलीनेस, अनवारंटेड। तो सियर का मतलब क्या होता है एक बार जरूर बताइएगा आप, मैं एक बार और जल्दी से बता देता हूँ आपको, जिससे आपको लर्न भी हो जाए। तो सियर का मतलब होता है, जल्दी बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। मेरे ख्याल से आपने सभी ने बता दिया होगा। तो फियर का मतलब होता है पूर्ण तया, ठीक है ना। इसका यदि हम बात करें इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो पूर्ण तया का सिनोनिम्स क्या होएगा, जल्दी बताइए। तो पूर्ण तया का सिनोनिम्स होता है अटर, ठीक है ना, अटर। ओके, यदि हम बात करें सेकेंड वर्ड की, सेकेंड है मिनिस्कल, ठीक है ना, क्या है,
मिनिस्कल, मिनिस्कल यानी कि मिनिस्कल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, 5 सेकंड है। हाँ तो आप सभी ने बता दिया होगा, मिनिस्कल का मतलब होता है बहुत छोटा। ओके, बहुत छोटा, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो इसका पर्यायवाची जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, मिनिस्कल का माइनर, ठीक है ना, माइनर यानी छोटा होता है। ओके, तो मिनिस्कल का माइनर, ओके, तो ये हमारा पर्यायवाची सिनोनिम हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन के बारे में आज हमने ज़्यादा जाना नहीं है, लेकिन इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे। तो ड्रैकोनियन का मतलब हमने क्रोध देखा है, ठीक है ना, इसका मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है हार्स, ठीक है ना, हार्स। हार्स का मतलब ज़्यादा ही गुस्से में होना। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं निगडलीनेस। ओके, तो हाँ तो आप सभी ने बता दिया होगा निगडलीनेस का मतलब, तो इसका मतलब वो होता है कृपणता। ओके, कृपणता यानी कि कंजूस होना। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी हमने जाना था कि कोई भी व्यक्ति निगडलीनेस ना हो, ओके, और चैरिटी में 1 डॉलर दान करे। ओके, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था। तो इसका जो निगडलीनेस का सिनोनिम्स क्या होता है, तो इसका सिनोनिम्स होता है, यस, पार्सिमोनी। ओके, तो इसका सिनोनिम्स पार्सिमोनी होता है। अब यदि हम लास्ट वर्ड की बात करें जो कि अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब, हाँ तो आप सभी ने बता दिया होगा अनवारंटेड का मतलब, अनवारंटेड का मतलब अनजस्टिफाइड यानी कि अनुचित। ओके, जैसे कि हमने मैच भी कर दिया है, ये हमारा इसका अनजस्टिफाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, अनजस्टिफाइड इसका सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है ना, और शेयर करना भी मत भूलिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स।